नमस्कार भाइयों, तो स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं श्रीलंका व ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो फिफ्थ ओडीआई मैच खेला है ना उसकी, और क्या पिच रिपोर्ट रहेगी, क्या मेरी टीम रहेगी और क्या होने वाला है आज के मैच में, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की कि क्या पिच रिपोर्ट रहेगी। तो भाई कोलंबो ग्राउंड पे मैच खेला जाएगा और यहाँ पे मतलब मान के चलो कोलंबो ग्राउंड मतलब स्पिनरों का ग्राउंड, यहाँ पे स्पिनरों का राज चलता भाई, ठीक है। दोनों टीम से 100 ओवर होते हैं और मान के चलो 80 ओवर स्पिनर फेंकते हैं, 20-30 ओवर ही फास्ट बॉलर डालते हैं, क्योंकि क्या है फास्ट बॉलर की यहाँ पे पिटाई होती है और स्पिनर को बहुत ज़्यादा टर्न मिलता है यहाँ पे। तो इसलिए दोनों जो भी टीम खेलती है बॉलिंग करती है वो स्पिनरों से ही बॉल करवाती है। तो ये पिच रिपोर्ट है। बाकी हाँ, बल्लेबाजों को भी अच्छा एडवांटेज रहता है, आउटफील्ड बहुत फास्ट रहती है तो यहाँ पे रन भी बनते हैं, ठीक है। 200-300 प्लस स्कोर ही होता है हर मैच में। तो मान के चलो कि बल्लेबाज और स्पिनर, ज़्यादा स्पिनरों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज रहता है, फास्ट बॉलर को तो मान के चलो आप ड्रॉप ही कर दो, ऐसा रहता है। बाकी हाँ, डेथ ओवर्स में जो बॉलिंग डालते हैं कौन से फास्ट बॉलर है जो जिनको छोड़ना आपके लिए रिस्की हो सकता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी मैंने आपको पिच रिपोर्ट तो बता ही दी। बाकी अब बात कर लेते हैं टीम की, क्या मेरी टीम रहने वाली है। तो सीधे चलते हैं ड्रीम इलेवन पे, वहीं से मैं अपनी टीम भी बना लूँगा और बता दूंगा भाई कि किस किस प्लेयर को मैं क्यों ले रहा हूँ। ओपन कर लेता हूँ मैं ड्रीम इलेवन, ओपन हो गया है और टीम तो मैंने बना के रखी है आपके सामने और बना के बता देता हूँ भाई क्या आज का प्रेडिक्शन है आपके भाई का। सबसे पहले बात कर लेते हैं विकेट कीपर सेक्शन में। विकेट कीपर सेक्शन में मेंडिस है, एलेक्स कैरी है और निरोशन डिकवेला है। मेंडिस वन डाउन बैटिंग करेगा, बाकी विकेट कीपरिंग नहीं करेगा। एलेक्स कैरी 2-3 डाउन बैटिंग करता है, विकेट कीपरिंग भी करता है। और यहाँ से निरोशन डिकवेला ओपनिंग करेगा और विकेट कीपरिंग करेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन विंडीज का है पर वो विकेट कीपरिंग नहीं करेगा। अगर जैसे बैटिंग से फ्लॉप होगा तो वो फिर पॉइंट नहीं मिलने उसको। बाकी अगर यहाँ से अगर ये दोनों बैटिंग से फ्लॉप हो जाते हैं तो विकेट कीपरिंग में क्या है, स्पिन का ग्राउंड है, स्टम्पिंग और कैच बहुत ज़्यादा जाते हैं पीछे, तो विकेट कीपर को थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज रहेगा। तो भाई मैं लूँगा यहाँ से निरोशन डिकवेला को, ओपनिंग करेगा विकेट कीपरिंग करेगा। अगर बैटिंग से फ्लॉप भी हो गया तो स्टंपिंग और कैच के पॉइंट आपको मिल जाएंगे। बाकी हाँ, निरोशन डिकवेला भाई मैक्सवेल की बॉल पे आउट हो रहा है। क्या है कि मैक्सवेल आउट करने डिकवेला को आता है क्योंकि लेफ्ट हैंडर को वो बहुत जल्दी आउट करता है, ऑफ स्पिनर है तो डिकवेला आउट हो सकता है, ठीक है भाई। बाकी विकेट कीपरिंग करेगा और ओपनिंग करेगा इसलिए मैं ले रहा हूँ। मेंडिस मेरे को सेफ नहीं लग रहा है, इसलिए अगर आप चाहो तो मेंडिस के साथ भी जा सकते हो, अभी फॉर्म अच्छा है, बस लास्ट मैच में फ्लॉप हुआ था। अब आता हूँ मैं बैटिंग सेक्शन में। हाँ, एलेक्स कैरी को ट्राई जरूर कर लेना भाई, एलेक्स कैरी बहुत अच्छा बल्लेबाज है, ओडीआई का ध्यान रखना। बैटिंग सेक्शन में आए थे, बैटिंग सेक्शन में डेविड वॉर्नर है, असलंका है, निशंका है, एरन फिंच है, ट्रेविस हेड है, लबुशेन है, यहाँ से शनाका है, सब खेलने वाले हैं। मैं बताया था आपको मैं किस किस को लेने वाला हूँ। लास्ट मैच में आपको बताया था मैंने भाई वॉर्नर चलेगा, वॉर्नर को मैं लूँगा ही लूँगा। इस मैच में मैं वॉर्नर को ड्रॉप कर रहा हूँ भाई, क्योंकि आज का जो विकेट है वो थोड़ा ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली है और क्या है कि आज थोड़ा पानी गिरने के चांसेस भी बहुत कम है, तो स्पिनरों का अच्छा खासा टर्न मिलने वाला है। और क्या है कि भाई डेविड वॉर्नर जो है ऑफ स्पिन के खिलाफ आउट हो जाता है और श्रीलंका में दो ऑफ स्पिनर हैं, डी सिल्वा और महेश तिक्षाना। सबसे पहले इनका टारगेट ही यही रहता है श्रीलंका की, डेविड वॉर्नर को हम लोग कैसे आउट करें। तो महेश तिक्षाना शुरू में ही अपने पूरे 5 ओवर डालता है पावर प्ले में, तो उस टाइम पे मैक्सवेल का विकेट जाने डेविड वॉर्नर का विकेट जाने के बहुत हाइयर चांस रहते हैं। और भाई अभी लास्ट ओडीआई छोड़ के जो इससे पहले 3 ODI हुए थे उसमें फ्लॉप भी हुआ था, तो आज भी मैं डेविड वॉर्नर को ड्रॉप करने वाला हूँ क्योंकि भाई विकेट जा सकता है। तो यहाँ से लूँगा मैं चरित असलंका को, असलंका भाई
ऑलराउंडर प्लेयर है, बैटिंग सेक्शन में दिया हुआ है, बाकी बैटिंग से अच्छे फॉर्म में चल रहा है। और यार श्रीलंका की तरफ से अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा बल्लेबाज भी मेरे को असलंका ही लगता है। असलंका अच्छा खेलता है भाई और बॉलिंग भी डालता है, ऑफ स्पिनर है। अगर लंका की क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लेफ्ट हैंडर स्ट्राइक पे रहेंगे और डी सिल्वा और महेश तिक्षाना के ओवर ख़त्म हो जाएंगे तो भाई चरित असलंका बॉलिंग डालेगा, ठीक है। बॉलिंग बैटिंग दोनों कर सकता है, बैटिंग से लास्ट मैच में शतक भी लगा के आ रहा है। असलंका मेरी टीम में रहेगा। बाकी यहाँ से निशंका को मैं नहीं लेने वाला भाई, निशंका यार बहुत कमी मैचों में चलता है, फ्लॉप ज़्यादा होता है, इसलिए मैं निशंका को नहीं लूँगा, घर से वन प्लेयर नहीं है। एरन फिंच भाई, फिंच को मैं लेने वाला हूँ। फिंच ओपनिंग करेगा, राइट हैंडर है और क्या है भाई, शुरू में ऑफ स्पिन डालते हैं श्रीलंका से, तो ऑफ स्पिन बहुत अच्छे से खेलता है फिंच और इस मैच में लंबी इनिंग खेल सकता है। बाकी यहाँ से ट्रेविस हेड है, लवुशेन है, इनको भी आप ले सकते हो। मैं लूँगा यहाँ से लवुशेन को। लवुशेन आपको पार्ट टाइम 5-6 ओवर गेंदबाजी करता हुआ दिखाई देगा और 2 विकेट के बाद में बैटिंग आ जाएगी, तो भाई अच्छा रहेगा मैच में, ठीक है। बाकी यहाँ से अगर आप चाहो तो फिंच की जगह पे ट्रेविस हेड को भी ले सकते हो। ट्रेविस हेड भी इस मैच में बॉलिंग डाल सकता है क्योंकि स्पिन फ्रेंडली विकेट है, फास्ट बॉलर की जब पिटाई होगी तो भाई स्पिनर ही अपने पूरे पूरे ओवर डालेंगे, ध्यान रखना। तो ट्रेविस हेड को भी आप ले सकते हो, अच्छा रहेगा। ग्रैंड लीग में ज़रूर लेना, ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना, बल्लेबाजी भी अच्छी करता है और ऑफ स्पिन डालता है। तो भाई यहाँ से मैं 3 ही बल्लेबाज लेने वाला हूँ। अब आ जाता हूँ मैं ऑलराउंडर सेक्शन में। बाकी यहाँ से हाँ, शनाका बॉलिंग भी डालता है, बैटिंग भी करता है, तो शनाका को भी आप ट्राई कर सकते हो, पर मैं इन्हीं तीनों के साथ जाऊँगा। अब आ जाता हूँ ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन में मैक्सवेल है, हसरंगा है, डी सिल्वा है, विलालगे है, मिशेल मार्श है और आर मेंडिस इस मैच में खेल सकता है, खेलेगा तो इम्पोर्टेंट रहेगा। सी ग्रीन कुछ खास किया नहीं, चाहो तो छोड़ ही दो यार, छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है क्योंकि बॉलिंग बैटिंग पूरी करता नहीं है, बैटिंग ऑर्डर बहुत डाउन है, बॉलिंग पूरी डालेगा नहीं तो क्या मतलब। ऑलराउंडर सेक्शन में से मैं किस किस को लेने वाला हूँ वो आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ से लूँगा भाई ग्लेन मैक्सवेल को। मैक्सवेल पूरे 10 ओवर अपनी गेंदबाजी करेगा और लंका की टीम में क्या लेफ्ट हैंडर्स भी काफ़ी ज़्यादा है, तो लेफ्ट हैंडर्स के सामने बहुत अच्छी बॉल डालता है और भाई आउट कर देता है बहुत जल्दी, ठीक है। तो मैक्सवेल इम्पोर्टेंट रहेगा, बाकी बैटिंग से भी हर मैच में बैटिंग आ जाती है, 50 ओवर का मैच रहता है तो भाई बैटिंग तो आ ही जाती है। और लंका क्या है भाई, फॉर्म में चल रही है तो लंका भी टक्कर दे रही है, तो विकेट गिरते हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो फिर मैक्सवेल की बैटिंग आ जाती है। तो बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट दिलाएगा, ध्यान रखना मैक्सवेल इम्पोर्टेंट रहेगा इस मैच में भी। बाकी यहाँ से वनिंडू हसरंगा को भी मैं लेने वाला हूँ। हसरंगा पूरे 10 ओवर आपको गेंदबाजी करके देगा, लेग स्पिनर है, स्पिनर ग्राउंड है और भाई हसरंगा तो यार कोई भी पिच हो, स्पिन हो, फास्ट हो या बल्लेबाज की, हसरंगा हर मैच में विकेट लेता है, हर मैच में। तो भाई हसरंगा तो मेरी टीम में रहेगा ही रहेगा। हाँ बाकी हाँ, बैटिंग आएगी तो बैटिंग भी अच्छी कर लेता है। अब यहाँ पे डी सिल्वा है, डी सिल्वा भी भाई अपने पूरे 10 ओवर डाल ही रहा है हर मैच में। और क्या है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में टॉप ऑर्डर में 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं, उनको बहुत अच्छे से बहुत जल्दी आउट कर देता है। वॉर्नर को भी आउट कर चुका है, ट्रेविस हेड को भी, एलेक्स कैरी को भी। तो ये तीनों लेफ्ट हैंडर्स हैं और इनके सामने डी सिल्वा बॉलिंग डालेगा, कोई भी अगर एक भी स्ट्राइकर पर रहेगा तो बॉलिंग डालेगा। तो भाई डी सिल्वा इंपॉर्टेंट है, डी सिल्वा को मैं लूँगा। बाकी 1 डाउन बैटिंग, 2 डाउन बैटिंग करेगा, बैटिंग से भी अच्छे खासे रिकॉर्ड है कोलंबो ग्राउंड पे। कोलंबो में जब भी मैच होता तो डी सिल्वा मारता है भाई, तो डी सिल्वा को तो मैं लेने वाला हूँ। अब बाकी यहाँ से मिशेल मार्श, मिशेल मार्श ने लास्ट मैच में अच्छी गेंदबाजी करी थी, बाकी बैटिंग से फ्लॉप हुआ था। विलालगे 2 बार आउट कर चुका है मिशेल मार्श को। और भाई देखो वैसे तो मिशेल मार्श पार्ट टाइम गेंदबाजी करता है, तो भाई यहाँ से मेरे को विलालगे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेफ्ट आर्म स्पिनर है और क्या है ऑस्ट्रेलिया की टीम में राइट हैंडर्स थोड़े ज़्यादा ही हैं, तो उनके सामने विलालगे और क्या है भाई स्पिन ग्राउंड है, तो विलालगे ही सही रहेगा, मैं विलालगे के साथ जाऊँ। अगर आप चाहो तो मिशेल मार्श को भी ले सकते हो, 1 डाउन बैटिंग करेगा और कुछ ओवर बॉलिंग भी डाल सकता है, ठीक है। तो मैं इन 4 के साथ जा रहा हूँ, अगर आप चाहो तो विलालगे की जगह पे मिशेल मार्श को ले सकते हो, पर मैं नहीं ले रहा हूँ। अब आ जाता हूँ मैं बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में पेट कमिंस से दुश्मन तो चमेरा के मुश्किल चांस खेले,
जोश हेजलवुड है, चमिका करुणा रत्ने है, जेफरी वेंडर से है, एम खुनेमन है और यहाँ से महेश टिक्शाना है, जाइल रिचर्डसन के खेलने के कम चांस है। बाकी हाँ भाई, ऑस्ट्रेलिया मौका दे सकती है अपने प्लेयरों को, मिचल स्टार्क को मौका मिल सकता है, एस बोलेंड को मौका मिल सकता है, शोएब सन को भी मौका मिल सकता है, क्योंकि सीरीज तो ऑलरेडी हार चुकी है। बाकी यहाँ से लंका की टीम मेरे को नहीं लगता है कुछ चेंजेस करेगी, चेंजेस करेगी तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन में से मैं किस किस को लेने वाला हूँ। पेट कमिंस को लूँगा भाई मैं। पेट कमिंस यार ऑलराउंडर प्लेयर है और डेथ ओवर्स में बॉलिंग डालता है और भाई इस सीरीज में कैप्टन ही बन रहा हर मैच में, 100+ पॉइंट लेके जा रहा हर मैच में, तो इस मैच में भी भाई इंपॉर्टेंट रहेगा। बॉलिंग से नहीं तो बैटिंग से आपको पॉइंट दिलाई देगा, तो पेट कमिंस तो मेरी टीम में रहेगा ही रहेगा। हेजलवुड को नहीं लूँगा भाई मैं। हेजलवुड यार सही नहीं है हेजलवुड का अभी, क्योंकि स्पिन फ्रेंडली विकेट है, फास्ट बॉलर को कम हेल्प है, तो इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। यहाँ से लूँगा मैं जेफरी वेंडर से को, लेग स्पिनर है और भाई कोलंबो के ग्राउंड पे, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि भाई कोलंबो के ग्राउंड पे सबसे अच्छा बॉलर अगर कोई है तो वो है जेफरी वेंडर से, तो आज भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं तो लूँगा ही लूँगा। अब यहाँ से महेश दीक्षाना है, खुनेमन है, अगर आप चाहो तो पेट कमिंस की जगह पे महेश दीक्षाना को भी ले सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ से मैं ले रहा हूँ भाई एम खुनेमन को, लेफ्ट आर्म स्पिनर है और भाई ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्पिनर गिने चुने ही है। अगर यहाँ से शोएब सन खेलेगा तो मैं पेट कमिंस की जगह पे ले लूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा स्पिनरों के साथ में ज़्यादा जाऊँगा, क्योंकि भाई बॉलिंग ही वही डालेंगे और अच्छा खासा टर्न मिलता है स्पिनरों को, विकेट ले जाते हैं यहाँ पे कोलंबो में, तो स्पिनर इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर यहाँ से कोई एक्स्ट्रा स्पिनर खेलेगा तो मैं उसको ले लूँगा। महेश दीक्षाना का फॉर्म सही नहीं है, महेश दीक्षाना विकेट नहीं ले रहा है। हाँ, हालांकि वॉर्नर को आउट कर सकता है, वॉर्नर को डी सिल्वा नहीं तो महेश दीक्षाना, इन दोनों में से कोई एक आउट कर देगा। तो भाइयों ये मेरी स्मॉल लीग की टीम है। अब बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की। भाई कैप्टन बनाऊंगा मैं हसरंगा को। हसरंगा सबसे अच्छा बॉलर, अगर कोई स्पिन सबसे अच्छी कोई डालता है तो हसरंगा डालता है पूरे, अगर दोनों 22 प्लेयर अगर खेलेंगे उनमें सबसे अच्छा हसरंगा ही रहेगा, पूरे 10 ओवर गेंदबाजी करेगा और बल्लेबाजी भी आ ही जाती है यार, 50 ओवर का मैच रहता है तो बैटिंग भी आ ही जाती है। वॉइस कैप्टन बनाऊंगा मैं ग्लेन मैक्सवेल को, मैक्सवेल भी पूरे अपने 10 ओवर गेंदबाजी करेगा और बैटिंग आ ही जाती है। तो भाइयों ये मेरी स्मॉल लीग की टीम है, अगर इसमें कुछ भी चेंजेस होंगे तो उसकी फाइनल अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहीं से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। क्या है कि भाई देखो पार्टी जितने भी एमिरेट्स T10 चल रहा है, इंग्लिश T20 ब्लास्ट चल रहा है, सब मैं कवर करता हूँ। जहाँ पे तो आपको एक हाथ दो मैच की वीडियो में दे देता हूँ पर डे, बाकी जो और अदर मैच रहते हैं सब वो कवर में टेलीग्राम पे ही करता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में। और हाँ, क्या है भाई कभी कभी लिंक वर्क नहीं करती है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम पे जाके @SMSH ठाकरे सर्च कर लेना, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। पर हाँ, ध्यान से कि लिंक यही होना चाहिए, अगर आप इसमें कुछ भी मिस्टेक कर दोगे या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा वर्ड एड कर दोगे तो आपको मेरा चैनल नहीं मिलेगा। ध्यान से और कोशिश करना कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी के थ्रू आप ज्वाइन करो। तो बता ही दिया मैंने, अगर टीम में मेरी कुछ भी चेंजेस होगा तो उसकी फाइनल अपडेट आपको कहाँ पे, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो, ढेर सारी आपकी विनिंग हो।